अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द कॉस्ट अकाउंटिंग सीरीज एंड इट विल इंक्लूड 10 एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज एमसीक्यूज। एंड इफ़ यू फाइंड इट इफेक्टिव एंड फ्रूटफुल तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो इंशाल्लाह आई विल मेक मोर वीडियोज़ और उसमें तकरीबन 50 to 100 एमसीक्यूज होंगे। आज मैं जस्ट 10 एमसीक्यूज डिस्कस करूँगी आपसे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टू मस्ट लिसन। So let's start without wasting time. Okay, let's start with first one, that is basic objectives of cost accounting is जो major एक objective है, aim है cost accounting का, it means why the cost accounting basically exist. So let's see the options: A. tax compliance, B. financial audit, C. cost ascertainment, D. profit analysis. So the answer is cost ascertainment. Whenever guys we talk about cost accounting, so it's very much obvious that we just focus on calculation of cost. Either it is a product cost, a department cost, a process cost, a service cost. Our major goal is to calculate cost. Okay, hamara A nahi hoga tax compliance, that is a major focus of tax audit or tax accounting. The second is financial audit. Financial audit में हम accounts वगैरह जो भी हमारी financial transactions हैं उनको examine करते हैं, तो ये audit का ही काम है, cost accounting का काम नहीं है. D. profit analysis, whenever we are focusing on profit तो वहाँ पर हमारी accounting का जो है major goal आता है, जो हमारी financial accounting होती है. So ये तीन option cut होने के बाद the correct answer is cost ascertainment. Let's focus on the second one. डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड कैन बी आइडेंटिफाइड विथ, जो डायरेक्ट कॉस्ट हमारी जमा होती है, इनकर होती है, वो किस में किस से आइडेंटिफाई होती है. तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस डायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है दैट इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन. जो डायरेक्टली प्रोडक्शन पे हमारी कॉस्ट लगी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, उसे हम डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं. यानी हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकें, हाँ भाई ये डायरेक्टली इस चीज़ पे लगी है, इस प्रोडक्ट पे लगी है. लेट्स टेक वन एग्जांपल. व्हेन वी टॉक अबाउट अ वुड इंडस्ट्री, तो जब कोई इंडस्ट्री में बेडरूम सेट बना रहा है, सोफ़ा सेट यानी वुड के बना रहा है, तो इट्स वेरी मच ऑब्वियस कि वेन एवर वी विल परचेज वुड, वी विल ऑलवेज कंसिडर इट एज़ अ डायरेक्ट कॉस्ट. क्योंकि वो ईजिली विजिबल होगी कि वुड इंडस्ट्री है, तो भाई वुड की ही चीज़ बनाएगी. तो ऐसी चीज़, ऐसा मटीरियल, लेबर और ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली एक प्रोडक्ट पे लग रहे हैं, दैट इज़ नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट. तो ये हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, किस पे? ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट पे. बी ईच यूनिट ऑफ आउटपुट, सी ईच मंथ, डी ईच एग्जीक्यूटिव. सो द करेक्ट आंसर इज ईच यूनिट ऑफ आउटपुट. हर एक सिंगल यूनिट जो हम आउटपुट जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट की, हम डायरेक्ट कॉस्ट को उस पे आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ भाई ये बेडरूम सेट बना, ये जो वुड है वो किस पे यूज़ हुआ था, इस बेडरूम सेट पे यूज़ हुआ था. तो डायरेक्टली आइडेंटिफाई करते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट ऑफ आउटपुट से. सो द थर्ड एमसीक्यूज इज ओवरहेड कॉस्ट इज द टोटल ऑफ. ओवरहेड कॉस्ट किसे बोलते हैं? तो ओवरहेड कॉस्ट आप हमेशा याद रखिएगा, वेन एवर वी यूज़ द वर्ड ओवरहेड तो वो कहलाती है जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है. कि अभी हमने ऊपर बढ़ाया था डायरेक्ट कॉस्ट, राइट, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं. तो जो भी बाकी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगते हैं, दैट ऑल टुगेदर मेक एन ओवरहेड एक्सपेंसेस. हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इनको थियोरेटिकल फॉर्म में भी, अभी हम जस्ट एमसीक्यूज डिस्कस करें. तो जो भी इनडायरेक्ट चीज़ें होंगी, अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है. ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, बिल्कुल ठीक. बी ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, तो ऑब्वियसली हमने अभी पढ़ा कि डायरेक्ट कॉस्ट इसमें नहीं होती ओवरहेड में, तो वो हम काट देंगे. उसके बाद सी इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट दोनों. डी ऑल स्पेसिफिक कॉस्ट, ये भी ऑप्शन नहीं होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट. फोर्थ वन इम्प्यूटेड कॉस्ट इज ए नोशनल कॉस्ट, बी रियल कॉस्ट, सी नॉर्मल कॉस्ट, डी वेरिएबल कॉस्ट. इम्प्यूटेड कॉस्ट कौन सी होती है? तो हम इम्प्यूटेड कॉस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं. देखिए इम्प्यूटेड कॉस्ट का आंसर यहाँ पे आएगा नोशनल कॉस्ट. क्यों? इम्प्यूटेड कॉस्ट बेसिकली वो कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस से नहीं होती, यानी डायरेक्टली हम किसी आउटसाइडर को वो कॉस्ट पे नहीं करते. यानी अगर हमारी लेबर हो, हमने डायरेक्ट कोई चीज़ पे नहीं की, हमने डायरेक्ट कोई सैलरी नहीं दी है, डायरेक्ट हमने कोई यूटिलिटी बिल वगैरह नहीं पे किया, इन्हें ऐसे एक्सपेंसेस
ठीक है, जो एक्चुअल में आउट ऑफ पॉकेट नहीं जाते लेकिन हम उनको अलग से चार्ज करते हैं, दैट आर इम्प्यूटेड कॉस्ट. वन ऑफ द एग्जाम्पल इज़ ऑफ डेप्रिसिएशन, जो हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम लोग एक एसेट की, हम कहते हैं कि डिक्लाइनिंग वैल्यू है हर साल हम 10,000 1,000 जो भी एक मेथड होता है हमारा डेप्रिसिएशन का, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं अमाउंट एलोकेट करते हैं एज अ डेप्रिसिएशन कॉस्ट, राइट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस. तो ये एक्चुअल में तो नहीं हो रहा था, हम किसी को और को ये पे कर रहे हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ऑब्वियसली नॉट, ये हमारी कंपनी में ही पैसा रहता है लेकिन हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, तो इस तरह के अकाउंट्स को इम्प्यूटेड कॉस्ट बोलते हैं. अनदर एग्जांपल इज लेट सपोज इफ अ ओनर इज़ यूजिंग हिज ओन पर्सनल लैपटॉप फॉर बिजनेस पर्पस, उसका लैपटॉप है पर्सनल बट ही इज़ यूजिंग इट फॉर बिजनेस पर्पस, बिजनेस का काम करने के लिए, तो ये इम्प्यूटेड कॉस्ट होगी. वो अगर इस लैपटॉप की कॉस्ट को, ठीक है, यानी जो लैपटॉप अगर हम किसी और का यूज़ करते तो ऑब्वियसली वो चार्ज करता, तो वही अमाउंट जो हम दूसरों को देते वो अलग से एक सेट असाइड कर रहा है, तो दैट इज़ नॉन एज इम्प्यूटेड कॉस्ट. यानी इन एक्चुअल में वो खर्च नहीं हो रहा है लेकिन हम एक कंसिडर करें कि ये हमारी कॉस्ट है, सो दैट इज़ नॉन एज इम्प्यूटेड कॉस्ट. इसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं. अच्छा, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज़ सूटेबल फॉर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. अच्छा, ऑपरेटिंग जहाँ भी वर्ड आता है इट मीन्स इट बिलोंग्स टू सर्विस इंडस्ट्री, इसका आंसर होगा डी, सर्विस इंडस्ट्री से, ठीक है. ऑपरेटिंग, ठीक है, हम ऑपरेशन और जहाँ भी हम ऑपरेटिंग की बात करते हैं तो वहाँ सर्विस इंडस्ट्री आती है ऑब्वियसली, बाकी सब प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं. जॉब ऑर्डर बिजनेस है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्डर की हम बात करते हैं, ठीक है. कॉन्ट्रैक्टर्स की भी अगर बात करें तो वो भी जॉब ऑर्डर की तरह होता है, लेकिन बिग साइज़ का कोई जॉब होती है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्टर्स के फॉर्म में लेते हैं. उसके बाद शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री में हमेशा कौन सी कॉस्टिंग यूज़ होती है, प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे जाके, ठीक है. सो द आंसर इज़ सर्विस इंडस्ट्री, जहाँ पे हम इनटेंजिबल अपनी सर्विसेज प्रोवाइड, अपनी स्किल्स वगैरह के थ्रू हम जो सर्विस दे रहे हैं, यानी ऐसा गुड दे रहे हैं जो इनटेंजिबल है बेसिकली. जैसे डॉक्टर्स अपनी कंसल्टेंसी जो दे रहे हैं, एडवाइसेस दे रहे हैं, वो क्या है, वो फिज़िकल नहीं है बट दीज आर कंसिडर एज सर्विस ना, तो जो भी ऐसी चीज़ें वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आती हैं. नाउ द सिक्स वन इज़ प्रोसेस कॉस्टिंग इज़ सूटेबल फॉर. प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ सूटेबल होती है, सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट दैट वॉट इज़ प्रोसेस कॉस्टिंग. प्रोसेस, वन एवर वी यूज़ दिस वर्ड प्रोसेस इट मीन्स इट इंक्लूड्स सम काइंड ऑफ स्टेप्स. एक इवेंट की बात नहीं होती, वन देर सीरीज ऑफ स्टेप्स उसे हम प्रोसेस बोलते हैं. तो ऐसा प्रोडक्ट जो सीरीज ऑफ स्टेप्स से जाते जाते फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचता है, दैट इज़ नोन एज प्रोसेस कॉस्टिंग. यानी जिसमें कंटिन्यूस प्रोडक्शन होती है और होमोजेनस प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, यानी एक ही जैसा प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट यूज होता है और सीरीज ऑफ स्टेजेस से गुजरता है, उसे हम प्रोसेस कॉस्टिंग बोलते हैं. जैसे अगर हम शुगर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा है, बन तो शुगर ही रही है लेकिन वो डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू जा रही है, एक स्टेप फिर देन मूव ऑन टू द सेकंड स्टेप, देन मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप एंड देन टू द फाइनल स्टेज, तो उसे हम बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग. जहाँ पे हमारे होमोजेनस एक ही जैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे कोई एक अलग से ऑर्डर नहीं होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं होते. सो फर्स्ट ए हॉस्पिटल्स, नो ऑब्वियसली ऑप्शन क्रॉस होगा. वाई? Because in hospitals you can see that there are different kind of patients, all have different kind of diseases. कोई skin के issue के लिए आएगा तो कोई dental issue के लिए आएगा. Even if there's a skin doctor, तो उसके लिए भी there are a lot of issues. कोई laser का treatment देने आ रहा है, कोई acne के problem की बात कर रहा है, कोई hair transplant की बात कर रहा है, कोई skin allergy के लिए आता है, ठीक है. तो there are different things. तो ये process costing में तो आते ही नहीं, उसमें homogeneous product आते हैं. Then oil refining फर्म्स, तो इसका आंसर होगा ऑयल रिफिंग फर्म्स. ऑयल यानी जो पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑयल वगैरह की प्रोडक्शन होती है, अब वो तो सेम ही होता है ना, वो कंटिन्यूस प्रोसेस से जो डिफरेंट स्टेजेस पे जाता है. जब भी हम ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, कन्वर्जन स्टेज होती है, सेपरेशन स्टेज होती है, इस तरह से वो सीरीज ऑफ स्टेप से जाके एक सेम ही प्रोडक्ट दे रहा है, डिफरेंट नहीं, तो उसमें हम प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ करते हैं. सी ट्रांसपोर्ट फॉर्म्स, अगेन ट्रांसपोर्टेशन में दे आर डिफरेंट एरियाज, नॉट अ सिंगल वन, तो वहाँ पे डिफरेंट किस्म की कॉस्टिंग यूज़ करेंगे. अगर मैं रक्षे में जैसे सपोज जा रही हूँ रेशम गली, तो उसका चार्ज अलग होगा. इफ़ आई एम गोइंग टू बुलेवर्ड मॉल, तो उसकी चार्जेस अलग होंगी. इस तरह से डी,
ब्रिकलिंग फर्म्स, ऑब्वियसली ब्रिकलिंग भी डिपेंड करती है कि कितनी क्वांटिटी है, कितना अमाउंट है, क्या चीज़ है, किस तरह का है, ठीक है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑयल रीफिंग फर्म्स. सेवन, कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैन बी डन इन कॉस्ट क्लासिफिकेशन, यानी हम कॉस्ट को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, इन टू वेज, बी थ्री वेज, सी फोर वेज और दी सेवरल वेज. सो द आंसर इज सेवरल वेज. कॉस्ट को हम मल्टीपल वेज से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द संक कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कॉस्ट. इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दैम जब हम थ्योरी के पार्ट में आएंगे. सो द आंसर इज सेवरल वेज. नाउ लेट्स फोकस ऑन द एट वन. कॉस्टिंग रेफर टू द टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस ऑफ. कॉस्टिंग हम किस चीज़ को बोलते हैं? ऐसी टेक्निक्स, ऐसी प्रोसेसेस जो क्या करती हैं, ए एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, बी एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, सी अपॉर्चमेंट ऑफ कॉस्ट, डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट. सो द आंसर इज एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट. जब भी हम वर्ड कॉस्टिंग की बात करते हैं, इट मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग. एसरटेनमेंट मतलब होता है कैलकुलेट करना, काउंट करके. जैसे हम टोटलिंग नहीं करते हैं, कैलकुलेट करके हर कॉस्ट को, ये डायरेक्ट मटेरियल यूज़ हुआ है, ये जो है डायरेक्ट लेबर यूज़ हुआ है, इस तरह से प्लस करते हैं प्राइम कॉस्ट लेस सपोज, उसके बाद हम कन्वर्जन कॉस्ट ऐड कर रहे हैं, कन्वर्जन कॉस्ट के बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस सपोज हम ऐड कर रहे हैं, तो वो सारी कैलकुलेशन को हम कॉस्टिंग बोलते हैं. इसके बाद ये दो पॉइंट्स हैं वैसे, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट और अपॉर्चमेंट ऑफ कॉस्ट, ये बाद में आती हैं. एलोकेशन ऑफ कॉस्ट बेसिकली ये होता है जब हम एक पर्टिकुलर कॉस्ट, एक कॉस्ट जो भी इनकर हुई, ठीक है, वो किस किस्म की भी कॉस्ट हो, लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर और एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में उसको असाइन कर सकें, दैट कॉस्ट इज बेसिकली नोन एज एलोकेशन ऑफ कॉस्ट. यानी हम एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को एलोकेट करें कम्प्लीटली. अभी मैंने आपको एक वुड की एग्जांपल दी थी, तो एलोकेशन क्या होगी, हमें वुड पता है कि भाई वुड कहाँ पे यूज़ हुआ है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यूज़ हुआ है, और प्रोडक्शन में पर्टिकुलरली कहाँ ये बेडरूम वगैरह के जो सेट्स होते हैं, इन चीज़ों में बनाने पे लगा है, तो हम कम्प्लीटली उस वुड के कॉस्ट को एलोकेट कर देंगे प्रोडक्शन की साइड, राइट. दूसरा है अपॉर्चमेंट. ऐसी कॉस्ट जो हम डायरेक्टली एक कॉस्ट सेंटर को साइन नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हम उस कॉस्ट को किस तरह से साइन करते हैं, सम लॉजिकल बेसिस को यूज़ करते हुए, दैट इज़ नोन एज अपॉर्चमेंट. इसकी एग्जांपल दूँ, जैसे कि सप्लाईज़ होते हैं, नॉर्मल सप्लाईज़, नाउ जो स्टेशनरी की चीज़ें होती हैं, अब ये स्टेशनरी की चीज़ें एचआर डिपार्टमेंट में भी यूज़ होंगी, इट्स वेरी ऑब्वियस कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी समहाउ वो जो वेजेस और लेबर का टाइम हर चीज़ नोट होती है, या कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी पेन पेपर उसके लिए भी यूज़ हो रहा था. अपार्ट फ्रॉम दैट एक एडमिनिस्ट्रेशन साइड है, वहाँ पर भी ये सप्लाईज यूज़ हो रहे हैं, तो वो हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या प्रोडक्ट पर हमने वो कॉस्ट असाइन की, तो ऑब्वियसली हम सब कोई लॉजिकल वे यूज़ करते हुए उसे असाइन करते हैं, दैट इज़ नोन एज अपॉर्चमेंट. एक सिंपल डेफिनेशन भी अक्सर यूज़ होती है कि व्हेन द कॉस्ट इज़ नॉट डायरेक्टली असाइन टू कॉस्ट सेंटर, दैट इज़ इंस्टेड ऑफ दैट इट इज़ डिवाइडेड ऑन सम लॉजिकल बेसिस, इज नोन एज अपॉर्चमेंट ऑफ कॉस्ट. इसके बाद है हमारे पास नाइन्थ, कॉस्ट अकाउंटिंग वॉज डिवेलप बिकॉज ऑफ. कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों डिवेलप हुई थी, why there was a need to basically develop cost accounting whenever we already have financial accounting. financial accounting hote hue kyun aaye, so iska kya hai, limitation of financial accounting, limitation of management accounting, limitation of human resource accounting, limitation of double entry accounting, iska answer already humne padha hai, limitation of financial accounting. yani obviously financial accounting mein kuch kamiyan thi, ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ड्रॉबैक्स थे और लिमिटेशंस थी, उसकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग आई थी. वन ऑफ द रीज़न वाज दैट फाइनेंशियल अकाउंटिंग जस्ट फोकस ऑन हिस्टोरिकल डेटा, यानी जो हमारी कॉस्ट इनकर हो चुकी है उसी के बारे में, उसी की चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते थे, उसी को क्लासीफाई करते थे, ठीक है. लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग उसको उस लिमिटेशन को मिटा के बेसिकली क्या करती है, दे फोकस नॉट ऑन जस्ट हिस्टोरिकल डेटा, बट वो क्या करती है, फ्यूचर प्री डिटरमाइंड बेसिस को भी यूज़ करती है. हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत दफ़ा पढ़ा है बजट,
यानी हम एडवांस में इसमें प्लानिंग भी करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब कॉस्ट इनकर हो गई हम तब उसको कैलकुलेट करेंगे, हम एडवांस में भी उसको कैलकुलेट करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स भी सेट करते हैं, ऑन बेसिस ऑफ दैट लास्ट में हम कंपेयर करते हैं कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट जो हमने फ्यूचर इन एडवांस सेट की थी वो और जो एक्चुअल आउटकम आई उसमें क्या फ़र्क आ रहा है, कंपेयर करते हैं। सो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों डिवेलप हुई, बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नाउ द लास्ट वन इज़ मल्टीपल कॉस्टिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ यूजिंग टू और मोर कॉस्टिंग मैथड्स फॉर एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट बाय, इसका आंसर आएगा सेम फॉर्म। यानी जब सेम फॉर्म्स क्या करती हैं, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करती हैं, एक से ज़्यादा कॉस्टिंग मैथड्स यूज़ करती हैं, तो इट्स वेरी मच कॉमन। मल्टीपल क्या कहते हैं, जब हम बहुत दो से दो या तीन से ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करें ना, तो दैट इज़ कॉल्ड एज मल्टीपल। तो मल्टीपल कॉस्टिंग क्या हुई, जब हम टू और मोर देन टू कॉस्टिंग मैथड्स यूज़ करें। थैंक यू, दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।